हेलो दोस्तों, एक्ने वल्गैरिस शायद क्रॉनिकल स्किन डिजीज में सबसे कॉमन डिजीज है एक्ने, और हर 10 में से 8 लोगों को एक्ने की प्रॉब्लम होती है 12 से 24 की एज में, किसी ना किसी डिग्री में, किसी को कम किसी को ज्यादा। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे, एक्ने क्या होता है, इसके सिम्टम्स, इसके कॉजेज, लाइफस्टाइल चेंजेस और कुछ नेचुरल रेमेडीज भी देखेंगे कि कैसे हम इस चीज को ओवरकम कर सकते हैं, इस चीज का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हमारी जो स्किन है वो हमारी पूरी बॉडी को कवर करती है, और स्किन के मेजरली 3 फंक्शंस होते हैं। सबसे पहला तो ये हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को कवर करके रखती है, और दूसरा जो है वो हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखती है, और तीसरा जो हमारी बॉडी के टॉक्सिन्स हैं या फिर और इम्प्योरिटीज हैं उनको ये बाहर निकालती हैं। और एक्ने की जो प्रॉब्लम है वो बेसिकली तब होती है जब हमारी पूरी बॉडी जो है माल फंक्शनिंग कर रही हो, हमारी बॉडी प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही हो, जिसकी वजह से हमारी सेबेकियस ग्लैंड और हेयर फॉलिकल्स ब्लॉक हो जाते हैं, उनसे स्वेल हो जाते हो, उसी से एक्ने की प्रॉब्लम अराइज होती है, जो या तो ब्लैकहेड्स होते हैं, स्कार्स हो जाते हैं, और किसी किसी के सिस्ट टाइप हो जाते हैं, जो पीले मुंह वाले जो छोटे छोटे दाने से होते हैं, वो भी एक्ने की ही एक टाइप है। एक्ने इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस होती है सेबेकियस ग्लैंड की और हेयर फॉलिकल्स की, जो जनरली फेस पे या फिर चिन पे, नेक पे और किसी किसी की पूरी बॉडी पे हो जाती है, और जो मेजोरिटी होती है एक्ने की वो ब्लैकहेड्स होती है। वैसे तो एक्ने की कई सारे टाइप हैं, पर अक्सर लोगों को ब्लैकहेड ही होते हैं, और ये 20 से 30 की एज के बीच में ज्यादा होती है। मेल के अंदर ये 30 के बाद भी होती है, और फीमेल के अंदर जो है वो जनरली 30 तक ही होती है, उसके बाद वो ठीक हो जाती है। फीमेल के अंदर जब पीरियड्स आने वाले होते हैं उन दिनों में ये बहुत बढ़ जाती है, और एक्ने की प्रॉब्लम की वजह से बहुत सारे लोगों को एक एम्बेरसमेंट सी फील होती है। वैसे कोई मेजर डिजीज नहीं है, पर इसकी वजह से एक एम्बेरसमेंट सा होता है, और जब ये बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो उसके बाद उसके कुछ फेस पे स्कार या कुछ मार्क्स जो होते हैं वो रह जाते हैं, कुछ के लाइफ टाइम के लिए रहते हैं और कुछ लोगों के उम्र के साथ साथ ठीक होते चले जाते हैं। एक्ने की 6-7 टाइप हैं, जिसके अंदर सबसे कॉमन है ब्लैक हेड, फिर पिंपल्स, स्कार्स और सुपरफिशियल सेबेकियस सिस्ट। एक फेस पे अंदर ही अंदर छोटी सी गांठ सी बन जाती है, और जिसके बाहर एक काला धब्बा सा हो जाता है, आपको लगता है कि ये पकने वाला है लेकिन वो पकता नहीं है, उसके अंदर से कुछ निकलने वाला होता है लेकिन वो निकलता नहीं है, वो अंदर ही अंदर एक किस्म से फिक्स सा हो जाता है, और ये महीनों तक अंदर ही जमा होता रहता है, ना ये ठीक होता है ना ये पकता है। और एक्ने जो है उसकी सारी चीजें रिलेट करती हैं सेबेकियस ग्लैंड या हेयर फॉलिकल से। जब ये चीज दोनों चीजें ब्लॉक हो जाती हैं या किसी वजह से इनके अंदर से टॉक्सिन्स बाहर नहीं आ पाते हैं, तब एक्ने की प्रॉब्लम हमें शुरू होती है। एक्ने मेजरली कवर करता है हमारे फोरहेड को, टेम्पल्स को, चीक्स को, नेक को, और जिसको प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ जाती है उसको बैक पे, और कुछ को तो पूरी बॉडी कवर कर देता है। जिसकी पूरी बॉडी कवर हो जाती है इसका मतलब ये है कि वो बहुत ही सीवियर कंडीशन में है, उसको एक्ने का एक बहुत जल्दी ट्रीटमेंट लेना चाहिए। और जिनको कहीं कहीं पे थोड़े बहुत दाने होते हैं, तो इसका मतलब यह है कि अगर वो अपने लाइफस्टाइल में छोटे मोटे चेंजेस करेगा तो वो इस प्रॉब्लम को ओवरकम कर सकता है। एक्ने के मेजर कॉजेज में सबसे पहले आता है रॉन्ग फीडिंग हैबिट्स, उसमें सबसे पहला इररेगुलर फीडिंग आवर्स, और दूसरा इम्प्रॉपर फूड, तीसरा एक्सेस ऑफ स्टार्च एंड स्वीट, चौथा आता है एक्सेस ऑफ फैटी एसिड, उसके बाद क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन, किसी को बहुत लंबे टाइम से कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो, डिवाइटलाइज स्किन कंडीशंस ड्यू टू अनहाइजीनिक लाइफस्टाइल, लोग हाइजीन का ध्यान ना रखते हो, उसके बाद अदर डिसऑर्डर्स में आता है एक्सेस ऑफ टी एंड कॉफी, एल्कोहल, टोबैको, मास्टरबेशन, स्ट्रीनुअस स्टडीज, सिडेंटरी हैबिट्स। जो लोग बहुत ज्यादा देर तक बैठे रहते हैं या फिर एक जगह बैठ के कोई ऐसा काम करते रहते हैं कि उनको बाहर निकलने की, फ्रेश एयर लेने की फुर्सत ही नहीं होती है, तो ये सारी बीमारियां जो हैं वो कहीं ना कहीं इनडाइजेशन की तरफ लेके जाती हैं,
और इनडाइजेशन की वजह से ही हमारी बॉडी की फंक्शनिंग जो है वो इम्प्रॉपर हो जाती है और उसी से फिर हमें एक्ने की प्रॉब्लम शुरू होती है। एक्ने की प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए कुछ लाइफस्टाइल में बेसिक चेंजेस हैं जिनको फॉलो करके हम एक्ने को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। उसमें सबसे पहले तो ये है कि सेल्वे और ऑइंटमेंट, कोई भी चीज़ जो चेहरे पे लगाने की होती है, दुनिया भर की क्रीम आती हैं बाजार में, उन सबको यूज़ करना तो बेवकूफ़ी है, उसका कोई पॉइंट नहीं है। उनका सिर्फ ये काम होता है कि जो हमारी सेबेकियस ग्लैंड्स होती है उनको सप्रेस कर देती है टेम्परेरीली। मतलब अगर आप कोई, जैसे एक स्टेटम बी के नाम से एक स्टीरोइड आता है, बहुत सारी नो मार्क्स करके कोई क्रीम आती हैं, और एक्ने को लेके तो बहुत सारी हिमालय के फेस वॉश वगैरह आते हैं, क्रीम्स आती हैं, तो उन सबको लगाने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये जो है ये हमारी बॉडी के अंदर प्रॉब्लम है, बाहर नहीं है। आप इनको लगाएंगे तो इससे जो हमारी सेबेकियस ग्लैंड्स हैं जिनमें स्वेलिंग हुई है वो टेम्पररी सप्रेस हो जाएंगे, उससे ठीक नहीं होंगे। आपको कुछ दिन तो असर दिखेगा लेकिन उसके बाद फिर वो ऑइंटमेंट असर करना बंद कर देगा और ये प्रॉब्लम फिर से हो जाएगी। तो इसके लिए हमें अपने लाइफस्टाइल को ही कहीं ना कहीं चेंज करना पड़ेगा ताकि ये प्रॉब्लम अराइज ही ना हो। एक्ने की प्रॉब्लम जिन लोगों को बहुत ज़्यादा है उनको अपने लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस करने चाहिए जो कि सिर्फ एक्ने पे फोकस करके हों। टोटली एक्ने को ओवरकम करने के लिए अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस करने चाहिए। तो इसका एक प्रॉपर प्लान है 1.5 महीने का, 1.5 महीने में आपको बहुत फर्क पड़ जाएगा। उसके बाद जो है आप किसी भी नॉर्मल नेचुरल रेमेडी को फॉलो कीजिए और आप एक्ने को 80-90% तक कम कर सकते हैं। 100% ट्रीटमेंट तो इसका अपने आप ही होता है जब बॉडी मैच्योर हो जाती है, आप 30 की एज तक पहुंच जाते हैं, उसके बाद ही अपने आप ठीक हो जाता है। लेकिन तब तक के लिए इसे ओवरकम करने के लिए एक प्रॉपर प्लान है। उस प्लान के अंदर सबसे पहले तो आपको 24 आवर में 3.5-4 लीटर वाटर इंटेक रखना है। 3.5 लीटर से कम पानी तो आपको पीना ही नहीं है, ये तो आप पूरी लाइफ टाइम के लिए प्लान कर लीजिए। जिससे क्या होता है कि जो हमारी बॉडी के टॉक्सिन्स हैं वो यूरिन से या फिर स्वेटिंग से बाहर निकल जाते हैं। उसके बाद जिनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है एक्ने की फेस पे या फिर बैक पे, उनके लिए स्पेशली इस प्लान को बनाया गया है। इसमें आपको शुरुआत में 1 वीक के लिए आपको टोटल फ्रूट डाइट लेनी है। टोटल फ्रूट डाइट में आपके पूरे दिन में 3 मील होंगी। उस मील में जो आप फ्रूट्स लेंगे वो आप जूसी फ्रूट्स लें, जैसे एप्पल है, पाइनएप्पल है, पीस है, पीच है, ग्रेप्स हैं, इस तरीके के जो जूसी फ्रूट्स हैं, ये आपको 1 वीक तक 3 मील्स पर डे, और साथ में आपका वाटर इंटेक तो ऑलमोस्ट 4 लीटर हर रोज का है। इसके अंदर आप सिट्रस फूड्स को अवॉइड करें। सिट्रस फूड्स जैसे जो जिस मैंगो हुआ या फिर ऑरेंज हुआ, इस तरीके के जो खट्टे फ्रूट हैं आप उनको थोड़ा अवॉइड करें। बनाना अवॉइड करें, फ्राइड फूड अवॉइड करें, स्टीम फूड अवॉइड करें। जितना हो सके कोशिश करें कि आप या तो रॉ फ्रूट लें या फिर बॉइल्ड फ्रूट लें, और पैकेज्ड फूड भी अवॉइड करें और टिंड फूड भी। टिंड मतलब जो टिन के अंदर पैक होके आते हैं, जैसे एनर्जी ड्रिंक वगैरह होते हैं। उसके बाद जो ड्रिंक्स में है वो आप सॉफ्ट ड्रिंक अवॉइड करें, कोई भी कोला हुआ या फिर ये जो रियल जूस आता है या मिनट मेड के जो जूस आते हैं, ये सब केमिकल बेस्ड होते हैं। आप जितना हो सके नेचुरल जूस पे फोकस करें। मार्केट से परचेज करने के बजाय आप फ्रूट्स को घर पे लाके अपना जूस तैयार करें, या फिर जो भी आपको खाना है, सीधा फ्रूट खाना है, उसका जूस या शेक बना के पीना है, वो आप खुद ही तैयार करें। आप इसी चीज़ से इस चीज़ को कहीं ना कहीं कंसिडर कर सकते हैं कि जब आप लेमन जूस घर पे बनाते हैं तो वो 1-2 आवर में पीने लायक नहीं बचता है, वो बिल्कुल खट्टा हो जाता है। लेकिन वहीं हम एक लेमन फ्लेवर बेस्ड कोई सॉफ्ट ड्रिंक बाजार से लाते हैं, उसकी एक्सपायरी 3 मंथ्स तक की होती है। तो अगर हम लेमन को 3 मंथ्स तक प्रिजर्व रख पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसमें कोई ना कोई केमिकल ऐड है। तो इसलिए आप नेचुरल पे फोकस करें, जो पैकेज ड्रिंक्स हैं उनको अवॉइड करें, और जो आपका वाटर इंटेक है 3.5-4 लीटर पर डे, उसमें आप सुबह सुबह उठते ही खाली पेट 0.5 लीटर वार्म वाटर लें, हल्का गुनगुना पानी, जिससे आप जब सुबह सुबह उस पानी को लेंगे तो आपकी बाउल मूवमेंट इजी होगी, आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी। उससे आपका पेट साफ होने से आपके अंदर की जो टॉक्सिन्स हैं और जो गर्मी है वो निकल जाएगी,
और आपका पूरा दिन जो है वो स्टमक हेल्दी रहेगा, इसी से आपकी एक्ने की प्रॉब्लम कम होनी शुरू हो जाएगी। उसके बाद 1 वीक की फुल फ्रूट डाइट लेने के बाद आप अपने नॉर्मल रूटीन में आ जाएं, क्योंकि सिर्फ फ्रूट डाइट से आपको कहीं ना कहीं वीकनेस महसूस होनी शुरू हो जाएगी। तो इसलिए अपनी बॉडी की नीड्स को पूरा करने के लिए आपको दोबारा से एक हेल्दी डाइट पे आना पड़ेगा। उस हेल्दी डाइट्स में आप वेजिटेबल्स ले लें, फ्रूट्स लें, स्प्राउट्स लें, सीरियल्स लें और ब्राउन राइस प्रेफर करें व्हाइट राइस के बजाय। और जितना हो सके उतना फ्राइड फूड या बेक्ड फूड को अवॉइड ही करें, रॉ जितना लेंगे उतना बेटर है। और पेट भर के खाएं, खाली पेट ना रखें। ऐसा नहीं कि आप ये सोचो कि मैं सिर्फ फ्रूट लूं तो पेट को खाली रखना, पेट को खाली रखना पर्पज नहीं है। बॉडी को सारे न्यूट्रिएंट्स तो देने ही हैं, लेकिन जो फूड्स हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं, जो एक्ने का कॉज बन रहे हैं, हमें उनको अवॉइड करना है। बॉडी की फंक्शनिंग प्रॉपर रखनी है। अब कुछ लोगों के लिए है कि 1 वीक बहुत ज्यादा टाइम हो जाएगा, तो उन्हें ये करना चाहिए कि 3-3 डेज का हर 15 डेज के पीरियड के बाद ये प्रॉपर फ्रूट डाइट पे आ जाए। मतलब जो 1 मंथ का हमारा प्लान था उसमें 1st वीक जो था वो टोटल फ्रूट डाइट था, लेकिन कुछ लोगों को ये लगता है कि उनसे फॉलो नहीं होगा, तो ऐसा करें कि 3 दिन तक सिर्फ फ्रूट डाइट पे रहें, उसके बाद एक हेल्दी डाइट पे आ जाएं, और उसके बाद 15 दिन होने के बाद दोबारा से 3 दिन के लिए ओनली फ्रूट डाइट पे आके और फिर अपनी नॉर्मल डाइट को फॉलो अप करें। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो ये आप डाइट फॉलो करने वाले हैं इसको लेके स्ट्रिक्ट रहें, कोई भी चीट मील ना लें, क्योंकि चीट मील लेने से आपको क्या होता है कि आपका डिसिप्लिन कहीं ना कहीं हर्ट हो जाता है, और अगर आप किसी चीज के अंदर डिसिप्लिन नहीं रखेंगे तो उसका रिजल्ट नहीं आएगा। तो आपको ना स्ट्रिक्टली ये चीज फॉलो करनी है, कोई भी बाहर की तली हुई चिकनी चीज ना खाएं, और इसके अंदर जो फूड अवॉइड करने हैं उसमें है स्टार्च, प्रोटीन, फैटी एसिड्स। फैटी एसिड्स में जैसे मीट हो गया, शुगर, स्ट्रॉन्ग टी या कॉफी, जिन लोगों को टी या कॉफी की आदत है वो बहुत लाइट लें, बहुत स्ट्रॉन्ग ना लें। उसके बाद पिकल्स, अचार या मुरब्बा अवॉइड करें, रिफाइंड फूड, फ्राइड फूड और प्रोसेस्ड फूड, ये चीजें भी अवॉइड करें, सॉफ्ट ड्रिंक, केक, पेस्ट्री, कैंडी, आइसक्रीम, ऑलमोस्ट सारे वो प्रोडक्ट जो शुगर से या फिर राइस फ्लोर से या मैदे से बने हो, इन प्रोडक्ट्स को सबको अवॉइड कर दें। ऐसा नहीं है कि हम आपको हमेशा के लिए छोड़ने के लिए बोल रहे हैं, ये सिर्फ 1 महीने के लिए है। 1 महीने के बाद आप धीरे धीरे करके अपनी जो भी आपकी फेवरेट चीजें उन्हें थोड़ा थोड़ा करके खा सकते हैं, लेकिन शुरुआत में हमें अपनी बॉडी को एक्ने के ट्रीटमेंट के लिए तैयार करना है, इसलिए 1 महीने तक स्ट्रिक्टली आप इस प्लान को फॉलो करें। उसके बाद ये तो था बेसिक लाइफस्टाइल में चेंजेस, इसी में हमारी बॉडी को जिस चीज की सबसे ज्यादा नीड है एक्ने से रिकवरी के लिए, वो बेसिकली 2 चीजें हैं, जिसके इनटेक से हम अपनी जो हमारी बॉडी एक्ने से फाइट करने के लिए तैयार करी है हमने इस स्ट्रिक्ट डाइट प्लान को फॉलो करके, वो उसमें और असर कर देंगे। उसमें 2 चीजें हैं, एक तो नायासिन और दूसरा विटामिन ए और तीसरा जिंक। इन 3 चीजों के इंटेक से ऐसा होगा कि आपने जो डाइट प्लान फॉलो करा था इसका जो इफेक्ट है वो 5 टाइम्स तक बढ़ जाएगा। मतलब जो एक्ने आपके 100 डेज में ठीक होने थे वो 20 डेज में ठीक हो जाएंगे। अब उसमें आपको जो नायासिन है वो पर डे 100 mg लेना है 3 टाइम्स, आपको एक दिन में 3 बार 100 mg नायासिन लेना है। अब वो नायासिन आप या तो बाजार से टेबलेट ले सकते हैं या फिर कोई ऐसा फूड प्रेफर कर सकते हैं जिसके अंदर नायासिन हो, और आपकी पर डे की 300 mg का इंटेक हो 100-100 mg करके। और उसके बाद है विटामिन ए। विटामिन ए की आपको 1.5 लाख यूनिट पर डे लेनी है सिर्फ 1 महीने तक, 1 महीने से ज्यादा नहीं करना, वरना फिर विटामिन ए एक्सेस में हो जाएगा, वो किसी और प्रॉब्लम को जन्म दे देगा। तो आपको सिर्फ 1 महीने तक विटामिन ए लेना है 1.5 लाख पर डे के हिसाब से। आप उसमें 50-50,000 के 3 मील बना सकते हैं या फिर ज्यादा मील भी बना सकते हैं, पर टोटल इंटेक जो है वो 1.5 लाख यूनिट्स होना चाहिए। ये जो विटामिन ए है
इसका असर ड्रामेटिकल चेंजेस दिखाता है आपकी बॉडी में, आप एकदम से चमत्कार सा महसूस करेंगे अपने एक्ने के अंदर। ये इतनी तेज असर करता है कि आप बिलीव नहीं करोगे, आपकी स्किन जो है क्लियर होती चली जाएगी। जिंक आपको लेना है 50 mg 3 times per day, मतलब एक दिन के अंदर आपको 150 mg लेना है, 50-50 mg के 3 meal बना के। और जब आपको जिंक लेने की वजह से अपनी बॉडी में इंप्रूवमेंट महसूस हो तो धीरे धीरे करके जिंक का इंटेक कम करते जाना है, उसको एक ही पॉइंट पे यानी 50 mg पर ही नहीं रखना है, आप उसको धीरे धीरे करके कम करते रहें। अब ये तीनों चीजें आपको नहीं लेनी है, आप तीनों में से कोई एक प्रेफर कर सकते हैं, या तो नायासिन या विटामिन ए या फिर जिंक। अब दोस्तों कुछ होम रेमेडीज जिनको यूज करके आप एक्ने को काफी हद तक ठीक कर सकते हैं, अपनी स्किन को काफी क्लियर कर सकते हैं और एक्ने की प्रॉब्लम आप ऑलमोस्ट खत्म कर सकते हैं। उसमें सबसे पहला जो होम रेमेडी में है वो ये है कि आप गर्म पानी करके उससे अपनी स्किन को सेकना शुरू करें। सेकने के लिए आप ये कर सकते हैं कि गर्म पानी से जहां जहां पे एक्ने की प्रॉब्लम है वहां पे छींटे मारने शुरू करें, या फिर कोई कपड़ा उसमें डुबो के और उस एरिया को जहां पे एक्ने की प्रॉब्लम है सेकना शुरू करें उस गर्म पानी से, या फिर कॉटन लेके भी उस पानी को लगा सकते हैं। और ये वार्म वाटर नहीं होगा, ये हॉट वाटर होगा, मतलब आपको ऐसा गर्म करना है जो आप ज्यादा देर तक लगा ना सके, जिससे प्रॉपर सिकाई हो जाए। और 5 मिनट तक ऐसे सेकने के बाद आप 1 मिनट तक अपनी स्किन को या अपने फेस को छोड़ दें, उसके बाद ठंडे पानी से अपने चेहरे को धो लें। सेकेंड रेमेडी आती है दोस्तों एक्ने को ओवरकम करने के लिए, आप अपनी बॉडी को ज्यादा से ज्यादा सन और एयर के कॉन्टेक्ट में लाएं, मतलब जहां पे आपकी बॉडी को धूप भी मिले और हवा भी मिले। लेकिन आजकल पॉल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो अगर आप सूरज की रोशनी में खड़े होंगे तो आपको टैनिंग की प्रॉब्लम भी हो सकती है, बॉडी काली बढ़ सकती है। तो जब ऐसा मौसम हो कि धूप बहुत ज्यादा तेज ना हो और हवा भी चल रही हो, तब आप अपनी बॉडी को हवा और धूप देने की कोशिश करें। सिर्फ धूप में ना खड़े हों और सिर्फ हवा में ना खड़े हों, बल्कि ऐसा मौसम देखें जब आपसे धूप भी बर्दाश्त हो और आपकी बॉडी को प्रॉपर एयर भी मिल रही हो। ये रेमेडी सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के टाइम पे फ्रेश एयर मिलना बहुत ही मुश्किल है, अक्सर एयर तो पॉल्यूटेड है। ये उनके लिए है जो या तो हिली एरियाज में रहते हैं या लीस्ट पॉल्यूटेड एरियाज में रहते हैं, वो अपनी बॉडी को हर 2 दिन में या 3 दिन में सन और एयर प्रॉपर दें। इससे भी हमारी बॉडी को काफी बेनिफिट मिलता है, हमारी स्किन ब्रीथ करती है तो उसके फॉलिकल्स, हेयर फॉलिकल्स खुलते हैं, और हेयर फॉलिकल्स खुलने का मतलब यह है कि आपने आपकी एक्ने की प्रॉब्लम कम हो रही है। आप हीलिंग पैक्स भी यूज कर सकते हैं, होममेड पैक्स हैं। सबसे पहले तो ग्रेटेड कुकुम्बर, आप कुकुम्बर लीजिए, उसको कद्दूकस में कस के और जब उसके फ्लेक्स बन जाए उस फ्लेक्स को अपने फेस पे लगा लीजिए, 15 मिनट तक लगाए रखेंगे, उसके बाद आप अपने फेस को ठंडे पानी से धो लें। सेकंड पैक आपका आता है कुक्ड क्रीम कैरेट, आप कैरेट को उबालिए फिर उसका पेस्ट बना लीजिए और उस पेस्ट को अपने फेस पे लगा लीजिए, उसको 15 मिनट तक लगाने के बाद आप उसको धो लीजिए ठंडे पानी से, इससे भी आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। और तीसरा पैक जो आता है वो आता है ओटमील कुक्ड इन मिल्क, आप मिल्क के अंदर ओटमील बनाइए और वो जब सही पेस्ट सा हो जाए तो उस चीज को, जो मील हमारी तैयार हुई है ओटमील, उसको आप अपने फेस पे लगा लीजिए और 15 मिनट तक लगाए रहने के बाद आप उसके बाद ठंडे पानी से अपने फेस को धो लीजिए। आप इन तीनों में से कोई भी एक पैक को फॉलो कर सकते हैं, ये तीनों ही पैक आपको इक्वल बेनिफिट देंगे। नेक्स्ट रेमेडी आती है आपकी ऑरेंज पील पेस्ट, आप ऑरेंज का छिलका लीजिए, उसको पत्थर के ऊपर पीस के पेस्ट बना लीजिए, जैसे हमारा वो सिलबट्टा होता है पत्थर में, उस पर आप उसको कूट लीजिए या फिर घिस लीजिए और घिस के उसका एक पेस्ट बना लीजिए। उस पेस्ट को आप अपने फेस पे लगाएंगे, 15 मिनट तक उसको लगाए रखें और फिर उसको ठंडे पानी से धो लें, इससे भी आपकी बॉडी के जो हेयर फॉलिकल्स हैं फेस पे वो ओपन हो जाएंगे और आपकी एक्ने की प्रॉब्लम काफी कम हो जाएगी। नेक्स्ट आता है लेमन, आप लेमन को अपने फेस पे लगा लीजिए और लगा के अपने फेस को ठंडे पानी से धो लेंगे तो वो भी बहुत बेनिफिट पहुंच जाएगा। लेमन जो है आप रेगुलर यूज कर सकते हैं, हर रोज आप
लेमन अपने फेस पे यूज कर सकते हैं। 1 वीक के बाद आप उसमें अपने आप चेंजेस देख लें कि लेमन की वजह से आपके जो फेस पे जो बैक्टीरिया है वो सारे साफ हो गए हैं, और बैक्टीरिया साफ होने की वजह से एक्ने की प्रॉब्लम काफी कम हो गई। उसके बाद नेक्स्ट रेमेडी आती है, आप 1 चम्मच धनिये का जूस लीजिए, कोरिएंडर जूस, और उसमें 1 पिंच टर्मरिक डालिए, 1 चम्मच धनिये के जूस में 1 चुटकी हल्दी, और उस पैक को रात को सोने से पहले मुंह पे लगाएं और 20 मिनट तक उसे लगा रहने दें। उसके बाद चेहरे को धो के अच्छे से ठंडे पानी से बिना कोई मॉइस्चराइजर लगाए, सिर्फ उस पैक को लगाया, फेस धोया और अच्छे से टॉवल से सुखा के और फिर सो जाएं। उसके बाद उसके ऊपर कुछ ना लगाएं, इससे भी आपको एक्ने में बहुत बेनिफिट होगा। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट रेमेडी है पोटैटो। पोटैटो के अंदर पोटेशियम होता है, सल्फर होता है, फॉस्फोरस होता है, क्लोरीन होती है। तो आप पोटैटो को शेक बना के मिक्सी के अंदर, उसका एक शेक बनाने के बाद उसे कपड़े के अंदर लपेट के उसका जूस निकाल लें, पोटैटो जूस, और उसको फेस पे लगा के और 20 मिनट तक रखें और उसे सूखने दें। आपकी स्किन बिल्कुल ड्राई सी हो जाएगी, इस तरीके से जैसे कि आपने मुल्तानी मिट्टी लगाई हो। मुल्तानी मिट्टी लगाने के बाद जैसे फेस ड्राई हो जाता है, ऐसे ही पोटैटो जूस लगाने से भी फेस ड्राई हो जाएगा। उस जूस को 20 मिनट तक लगा रहने दें और फिर आप अपने फेस को ठंडे पानी से धो के और बिना कोई मॉइस्चराइजर लगाए उसको ऐसे ही छोड़ दें, और प्रेफर करें कि रात को सोने से पहले करें ऐसा। और जो लोग पोटैटो, जिन पर रिएक्ट नहीं करता है, जिनको पोटैटो जूस से कोई एलर्जी नहीं है, जो पूरी रात इसको रख सकते हैं, वो इसको पूरी रात भी रख सकते हैं। सुबह अपना किसी, जो भी आपका रेगुलर फेस वॉश है, उससे आप अपने फेस को धो लें, इससे भी आपको बहुत फर्क पड़ेगा। इससे एक्ने कम होने के साथ साथ आपकी जो स्किन है वो भी ब्राइट होती चली जाएगी, चेहरे पे ग्लो आना शुरू हो जाएगा। ये जो रेमेडी है दोस्तों, ये उनके लिए है जिनको एक्ने की बहुत ही सीवियर प्रॉब्लम है, जिनकी पूरी बॉडी पे एक्ने हो रखे हैं, और वो एक्ने भी छोटे छोटे पिंपल नहीं, बड़े बड़े हो रखे हैं, जिनसे पीप भी निकलती है, जो बहुत ही ज्यादा परेशान हो गए हैं। उनको चाहिए कि वो 1.5 किलो इप्सम सॉल्ट लें, या आपको कहीं भी इजिली मेडिकल स्टोर पे या फिर नर्सरी में या फिर जो एग्रीकल्चर की शॉप्स होती है जहाँ पे बीज वगैरह मिलते हैं, वहां पे बड़ी इजिली अवेलेबल हो जाएगा। आप 1.5 किलो इप्सम सॉल्ट को 50 लीटर पानी में डालें, और ये अच्छा खासा गर्म पानी होना चाहिए। उसके बाद इसको अगर आप बाथटब है आपके पास तो बाथटब के अंदर रखें और 25 से 30 मिनट इस पानी के अंदर लेटे रहें, पूरी बॉडी को सिकने दें और इप्सम सॉल्ट अच्छे से लगने दें बॉडी पे। और जिनके पास बाथटब नहीं है वो बाल्टी लेके और थोड़ा थोड़ा करके गर्म पानी अपनी बॉडी पे डालते रहें, जिससे 15-20 मिनट तक आपकी बॉडी इप्सम सॉल्ट से सिकती रहे। उसके बाद जब 20 से 25 मिनट आपको ये काम करते हुए हो जाएं गर्म पानी के अंदर, उसके बाद आप 5 मिनट का रेस्ट लें और ताकि बॉडी ठंडी हो जाए, और 5 मिनट के बाद आप साफ ठंडे पानी से प्रॉपरली नहा लें। इस रेमेडी को आप लगातार 3 महीने तक करेंगे वीकली बेसिस पे, और आप उसके बाद खुद रिजल्ट देखेंगे कि आपकी बॉडी जो है वो ऑलमोस्ट एक्ने से क्योर हो चुकी है। लेकिन ये उनके लिए है जिनको पूरी बॉडी पे एक्ने है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपके कोई सवाल है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।